बोलो भर्तृ बाबा की जय हो। तो मेरे मेहरबानों, भजन उस समय का कि जब राजा भर्तृ अपनी रानी पिंगला के बहकाव में आकर अपने छोटे भाई विक्रम को मारने के लिए जल्लादों को सौंप देता है। कुछ दिन के बाद जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है तो शाम तक कोई भी शिकार नजर नहीं आई। जब राजा वापस लौटने लगा तो उसे एक मृगों का झुंड दिखाई दिया। बताते हैं उस झुंड में 70 मृगियां और एक मृग था। मृग सो रहा था तो जब राजा भर्तृ सोते हुए मृग को मारने लगा तो बताते हैं 70 उसकी रानियां मृगियां राजा से हाथ जोड़ के बोली कि राजा इस मृगा को छोड़ दे और इसके बदले में 2, 5, 10 कितने भी मृगियां मार ले। लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानता है और उस मृग को मारकर राजा भर्तृ घोड़े पर सवार होकर वापस आ रहा था तो बताते उसी जंगल में गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धुना था। गोरखनाथ जी धुने पर बैठे हुए थे। राजा भर्तृ धुना पर चला गया और जाकर गोरखनाथ जी को धोख प्रणाम किया। जब गोरखनाथ जी महाराज ने राजा भर्तृ को धुने पर से हटा दिया कि राजा तूने बड़ा पाप किया है, तू एक नहीं 70 मृगियों के सुहाग को उजाड़ा है तूने, तू पापी है, धुने से हट जा। तो मेरे मेहरबानों, किस प्रकार से गोरखनाथ जी और राजा भर्तृ के सवाल जवाब होते हैं और किस प्रकार से रानी का भी पाप का गड़ा फूटता है और राजा भर्तृ जोगी बनता है, तो क्या बताया भजन के द्वारा। किनार पिंगला भरतरी को बोली देखो झूठ, हे जी भरतरी का विक्रम से गया भाई का नाता टूट। कि विक्रम दोषी मान्या भरतरी भरा सबर की घूट, हे जी सत्य की जीत हो जगत में एक दिन गया घड़ा पाप का फूट। तो राजा भर्तृ किस प्रकार से जोगी बनता है, तो क्या बताया। अरे गोरख की माला रे रटकर मालिक की माला, अब जोगी बन गो नाथ भरतरी रटकर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ भरतरी रटकर गोरख की माला। भाई रे गोरख की माला रे रटकर मालिक की माला, गोरख की माला रे रटकर मालिक की माला, जोगी बन गो नाथ भरतरी रटकर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ भरतरी रटकर गोरख की माला। पहले नंबर में क्या बताया कि भाई एक समय की बात बताऊं सुन जो सब नर नारी, हे जी भूप भरतरी कर ली उन्हों जब घोड़ा किया सवारी, हे जी जंगल में ही आयो चल कर घूमन की कर तैयारी, अरे बन में बैठा बोल उठा फिर गोरख जी तपधारी, एर एर मिर्गा मार पाप कर दीन्या भैरा खून का नाला, मिर्गा मार पाप कर दीन्या भैरा खून का नाला। गोरखनाथ जी महाराज और भी क्या समझाते हैं कि राजा ये जी पाप कपट ने छोड़ दे राजा बन रहा क्यों अभिमानी,
अरे मात पिता बंधु सुत साथी काम न आवे रानी, राम नाम की भक्ति करके सफल करो जिंदगानी। हे जी दुनियादारी स्वार्थगारी काम कदे न आनी, फिर झूठा काम क्रोध मद लोभ मोह और माया जंजाला, झूठा काम क्रोध मद लोभ मोह और माया जंजाला। जोगी बन गो नाथ वरत ही रट कर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ वरत ही रट कर गोरख की माला। गोरखनाथ जी महाराज की इन बातों को सुनकर बोलिया राजा कि सुनो महाराज भाई, इतनी सुन के बोलिया भरतरी, सुनो गुरु जी मारी, हे जी राज पाठ सुख चैन बिनाया क्या की दुनियादारी। तीन लोक में कोन्या मेरी पिंगला सती सी प्यारी, हे जी जती सती का जोड़ा सताया जाने नगरी सारी। तेरे कैसी भक्ति कैसी शक्ति रखुण का राम रखवाला, कैसी भक्ति कैसी शक्ति रखुण का राम रखवाला। तेरे गोरख की माला रे रट कर मालिक की माला, पैर गोरख की माला रे रट कर मालिक की माला। जोगी बन गो नाथ वरत ही रट कर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ वरत ही रट कर गोरख की माला। में मेरी पिंगला सती सी कोई रानी नहीं है। तब राजा को गोरखनाथ जी महाराज और भी क्या समझाते हैं कि अपनी और माया किस प्रकार से फैलाते, तो क्या बताया कि जी हरि भजन पर करो भरोसा गोरख यूं फरमाया, भूप भरत एक न मानी बहुत गढ़ा गरबाया। के जी गोरख जी महाराज अमर फल तुरंत एक ले आया, के जी राजी होके खा ले राजा तेरे अमर हो जा काया। रे 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 माया फैला दी बाबा जी राजा होगा मतवाला, माया फैला दी बाबा जी राजा होगा मतवाला। भाई रे रे होगा मतवाला रे राजा होगा मतवाला, रे होगा मतवाला ओ राजा होगा मतवाला। जोगी बन गो नाथ व्रत ही रट कर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ व्रत ही रट कर गोरख की माला। We'll be right back.
जब राजा भर्तृहरि गोरखनाथ जी की बात नहीं मानी तो गोरखनाथ जी एक अमर फल राजा को देता है कि राजा तू इस फल को खा ले, सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो राजा अमर फल को लेकर किस प्रकार से रंग महल में आता है और क्या होता है तो क्या बताया बसंत के द्वारा। ये जी प्रेम दीवाना रानी के जा धरया हाथ के माई, ये जी सच्चा प्रेम करती चाकर से उसको जाए दिखाई, चाकर भी नहीं फल को खाया रख लिया मोहनी के ताई, अरे गणिका दीनी राजा को जा नहीं अमर फल खाई, राजा लेकर के घबराया पिंगला कर दीनी चाड़ा, राजा लेकर के घबराया पिंगला कर दीनी चाड़ा। रे गोरख की माला रे रटकर मालिक की माला, भाई रे गोरख की माला ओ रटकर मालिक की माला, जोगी बन गो नाथ व्रत ही रटकर गोरख की माला, जोगी बन गो नाथ व्रत ही रटकर गोरख की माला। तो बताते हैं राजा भर्तृहरि अपनी रानी से भेद प्रेम करता था, प्रेम में पागल था, उस अमर फल को रानी को दे दिया। रानी भी उसी के नौकर क्रूर सिंह से प्रेम करती थी, उसको दे देती है, और चाकर भी उसी शहर में एक मोहनी नाम की वेश्या से मोहब्बत करता था, वो उसको दे देता है। और मोहनी उस फल को लेकर के विचार करती है कि भगवान मैंने इस दुनिया में बहुत पाप किए हैं और इस अमर फल को खा करके अमर हो जाऊंगी तो पाप करती रहूंगी। तो उस फल को राजा भर्तृहरि के पास दरबार में ले जाती है और उस फल को देख करके किस प्रकार से राजा को ज्ञान होता है तो बताया कि दरबार बीच रानी को राजा बुलवाली ने भाग, हे जी गुरु गोरख की बात का फिर पड़ गया सच्चा थाग, हे जी लाल चंदन रंग भजन कर राजा लीनिया जाग, अरे प्रकाश कहे फिर जोगी बन गया दिया राजपाट ने त्याग, भक्ति करी छींड के माई घटका खोल लिया ताला, भक्ति करी छींड के माई घटका खोल लिया ताला। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।